हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप सभी के लिए हूँ ब्राज़ीलियन वैक्स किस तरह से करते हैं फेस पे, यानी किस तरह से अपने फेशियल हेयर को रिमूव करेंगे। सो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ ब्राज़ीलियन चॉकलेट वैक्स। ये O3+ का है। सो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे आपको ब्रांड शो किया है, O3+ वेलनेस स्किन सॉल्यूशन। सो गाइज, अगर आपको नहीं पता है क्या होता है ब्राज़ीलियन वैक्स, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। ये बना हुआ होता है सेंसिटिव एरिया के, जस्ट लाइक फेस एंड जो भी हमारा सेंसिटिव एरिया होता है, जैसे कि अंडरआर्म्स हो गया, प्राइवेट एरिया। सो इस वैक्स को आप यूज़ कर सकते हो। आपको चाहिए वैक्स, आपको चाहिए कोई भी होता है ना प्री वैक्स जेल क्रीम, मैंने रीका का यूज़ किया। आपको इस तरह का चाहिए पॉप स्टिक, वुडन स्टिक भी आप बोल सकते हो, एंड चाहिए आपको वैक्स हीटर। तो इस तरह से ये बिस्किट के तरह है, आप देख सकते हो। सो इसको आपको वैक्स हीटर में डालना, इससे क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा। सो मैं आपको क्या बोलूँगी, आप पूरा एक साथ मत दीजिएगा। मैंने क्या किया था, इसको थोड़ा सा ब्रोक कर लिया था, किसी हैवी कोई भी आप ले लीजिएगा, आपके पास कुछ भी अगर होगा, एंड थोड़ा सा इसको ना ब्रोक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होगा। अगर आप एक बार में ज़्यादा प्रोडक्ट निकालोगे ना तो वेस्ट हो सकता है। मेरा फेस छोटा सा है, तो मुझे ना ऐसा लग रहा था कि अगर मैं ये पूरा होल यूज़ करूँगी ना एक बड़ा बिस्किट, तो मेरे फेस के लिए ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने इस तरह से ब्रोक कर लिया था। सो मेक श्योर आप इस तरह से ज़रूर कीजिएगा। एंड आप देख सकते हो इसको हम किस तरह से रैप कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा खुल गया था, तो मैंने क्या कि टिश्यू में इस तरह से रैप करके इसको रख दिया, ताकि हम आगे भी इसको यूज़ कर सके एंड को भी हवा ना लगे। अब हम वैक्स हीटर में इसको गर्म कर रहे हैं। सो सबसे पहले तो आप लोग को फेस वॉश कर लेना चाहिए। आप कोई भी होता है ना, वैक्सिंग कर रहे हो, फेशियल कर रहे हो, कुछ भी, तो मैं यहाँ मामा अर्थ का एलोवेरा फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, जिसमें एलोवेरा एंड अश्वगंधा है। मैं पर्सनली इस फेस वॉश को एक साथ यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे सूट करता है। एंड मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ मामा अर्थ का एलोवेरा जेल फेस मॉइस्चराइजर, जो कि मैं एवरी डे अभी मॉर्निंग में, नाइट में यूज़ कर रही हूँ। इवन मैंने वैक्स करवाने के बाद इसी मॉइस्चराइजर का यूज़ किया है। तो मैंने सोचा मैं आपसे अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करती हूँ कि मैं मॉर्निंग में और नाइट में कौन सा मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, तो इस मौसम में हम कोई भी मॉइस्चराइजर लगाते हैं ना तो हमें चिपचिप होने लगता है। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे करेंगे फेस वॉश। आप मॉइस्चराइजर लगाने से पहले डेफिनेटली फेस वॉश क्या करो। सो ये फेस वॉश के अंदर है एलोवेरा एंड है अश्वगंधा। तो आप जानते हो कि एलोवेरा आपकी स्किन को कितना ज़्यादा नरिश करता है, हाइड्रेट करता है। अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जिससे आपका ना स्किन ग्लोई होगा, यूथफुल होगा। इसमें ग्लिसरीन है, जो कि आपकी स्किन को सॉफ्ट सफल करेगा। सो फेस वॉश अच्छे से आपको कर लेना है। इस फेस वॉश को मैं 2 टाइम यूज़ करती हूँ। तो फेस वॉश करने के बाद ना आपको एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाना है। सो मैं ना अभी पर डे यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ की एलोवेरा जेल फेस मॉइस्चराइजर। गाइस, ये इतना अमेजिंग वाला मॉइस्चराइजर है ना, ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बनाएगा। इसके जो इंग्रेडिएंट है, जैसे कि एलोवेरा अश्वगंधा, ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सूद करेगा, मॉइस्चराइज करेगा। बिल्कुल भी आपको ना चिपचिप नहीं लगेगा, एकदम लाइट वेट है, एकदम अब्जॉर्ब तुरंत हो जाता है। एंड इस गर्मी में आपको अच्छा मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हो ना, जो कि आपको बिल्कुल स्वेटिंग ना दे, तो इसको आप ट्राई करो, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। सो इसको तो मैं हमेशा ना पर डे फेस वॉश करने के बाद यूज़ करती हूँ। मैं भी आपको मॉर्निंग रूटीन दिखा रही हूँ अपना। सो इसको मैंने ना यूज़ किया था जब मैंने ये वाला वैक्स करवाया था फेस पे, जो कि आप आगे देखोगे, क्योंकि वैक्स करवाने के बाद मेरी स्किन ड्राई हो गई थी। तो इस मॉइस्चराइज़र को यूज़ करने से ना मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सूद हो जाती है, एंड ये ऑल स्किन टाइप को सूट करेगा। इसमें कोई भी ऐसे हार्मफुल केमिकल नहीं है जो कि आपके फेस को हार्म करेंगे। मामाअर्थ के जितने प्रोडक्ट होते हैं, इनमें ऐसे कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं पाया जाता है। मेरे सिर्फ सर्टिफाइड ब्रांड है। एंड गाइज, नो सिलिकेन, नो पैराबेन, नो मिनरल ऑयल, तो डेफिनेटली ऑल स्किन टाइप को सूट करे। ऑल्सो गाइज, मुझे इनका ना प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगता है। एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम, दे विल लिंक योर ऑर्डर टू ए ट्री दैट दे प्लांट। एंड ये प्लास्टिक पॉजिटिव एंड एक इंडियन ब्रांड है। सो आप डेफिनेटली इंडियन ब्रांड को प्रमोट करो एंड इन दोनों प्रोडक्ट को ले। इन दोनों प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इनके अगर आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी ये वाला मॉइस्चराइजर एंड फेस वॉश, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे सूट कर रहा है एंड मैंने काफी यूज भी कर लिया है। सो ट्रस्ट मी, आप इन दोनों को ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। सो मामाअर्थ के प्रोडक्ट आपको इजीली मिल जाएंगे अमेजोन पे, नायका, पॉपर, फ्लिपकार्ट, इवन गाइस इनकी खुद की साइट पे भी। आप मामाअर्थ का ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो अपने फोन में। आप iOS यूजर, एंड्रॉइड यूजर कोई भी हो तो आराम से इंस्टॉल कर सकते हो। तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा। इवन गाइस, आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो SS2022 फॉर फ्लैट 20% ऑफ ऑन mamaarth.in। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं मैंने किस तरह से फेस वैक्स करवाया है एंड मैं आपको रिजल्ट।
गाइज मैंने मामा अर्थ का ही फेस वॉश यहाँ पे यूज़ किया था, उसके बाद मैं यहाँ पे डायरेक्टली डिका का यूज़ करी हूँ प्री वैक्स जेल। मॉइस्चराइजर तो मैंने मॉर्निंग में यूज़ किया था, वो मॉर्निंग का पार्ट था। एंड मॉइस्चराइजर आपको ना नहीं लगाना है अगर आप वैक्स कर रहे हो, अगर आप वैक्स नहीं कर रहे तो आप मॉइस्चराइजर लगा लो, इससे लॉक हो जाएगा आपका पोर्स। बट मुझे तो वैक्स करना था तो लास्ट में हम मॉइस्चराइजर को फिर से यूज़ करेंगे। आप हेयर देख सकते हो मेरे फेस पे कितना ज़्यादा, आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हो यानी कि टेलकॉम पाउडर। तो वैक्स अच्छे से गर्म हो गया है, इस तरह से आपको लेना है पॉप स्टिक में। एंड क्या करना है आप लोग को, जिस डायरेक्शन में हेयर ग्रोथ है उसी डायरेक्शन में क्रीम को लगाना है एंड ठंडा करना है 10 से 15 सेकंड के लिए। एंड आपको क्या करना है, खींच देना है, मींस अपोजिट डायरेक्शन में पुल कर देना है हेयर को एंड इस तरह से हाथ रख देना है। इससे क्या होगा, क्लाइंट को थोड़ा सा ठंडक फील होगा। कितनी ज़्यादा मुझे हेयर थे आप देख सकते हो। सो इस तरह से छोटा छोटा पोर्शन लेके आप लोगों को करना है। सो जितनी तरह के ब्राज़ीलियन वैक्स होते हैं ना, जैसे कि रीका के हो गए, ओथ्री के हो गए, मैंने और तो ब्रांड ट्राई अभी तक नहीं किए हैं, सबका सब देखने में भी सेम लगता है, इवन गाइस फ्रेग्रेंस भी सेम होती है एंड हेयर को बहुत अच्छे से निकालता है। सो ये ओथ्री प्लस का जो ब्राज़ीलियन वैक्स है ना, मुझे बहुत पसंद आया, आपको मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आप ट्राई करना। छोटा साइज़ है तो आप ले सकते हो, रीका का तो आपको बड़ा वाला लेना पड़ेगा, तो ये ना बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा अगर आपको सिर्फ ट्राई करना है। एंड इजीली आप किसी की हेल्प से करवा सकते हो, खुद से मत कीजिएगा, मैं बोलूँगी किसी की हेल्प से ही करवाओ। तो इस तरह से आप मेरी वीडियोस को देख के आराम से कर सकते हो, किसी की भी हेल्प ले सकते हो, सिस्टर की, मम्मी की, किसी की भी। बस एक बात का आपको ध्यान रखना, आप जो यहाँ पे वुडन स्टिक यूज़ कर रहे हो उसको चेक कर लीजिएगा, वो गर्म नहीं होना चाहिए। क्लाइंट के फेस पे गर्म कुछ भी नहीं दोगे, फेस स्किन निकल सकता है, इवन उनको ना रैशेज हो सकता है। एंड ठंडा होने के बाद ही खींचना एंड तुरंत हाथ रख देना, इससे थोड़ा ठंडक फील होता है क्लाइंट को। एंड अगर आप एक बार लगा देते हो ना क्रीम को, यानी कि वैक्स क्रीम को, तो दोबारा उस प्लेस पे मत लगाइएगा, दो तीन बार तो बिल्कुल भी मत लगाइएगा, मतलब हल्का सा दोबारा दे सकते हो कुछ टाइम के बाद, बट तुरंत मत दीजिएगा, इससे ना क्लाइंट का स्किन निकल सकता है। एंड सेंसिटिव स्किन वालों को तो आप पैच टेस्ट कर लोगे नेक एरिया के पास, देन आप वैक्स करोगे। तो मैं हमेशा 4 मंथ 5 मंथ में ना एक बार वैक्सिंग करवाती हूँ, इससे क्या होता है मेरे सारे हेयर निकल जाते हैं, तो मैं मेकअप करती हूँ बहुत ही फ्लॉलेस नज़र आता है। बहुत लोग डरते हैं कि वैक्स करवाने के बाद हेयर हार्ड होंगे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब मिथ है, कुछ ऐसा नहीं है। आपका जैसा ग्रोथ है वैसा ही आएगा, जितने आपके हेयर आते उतने ही आएंगे। एंड ब्राज़ीलियन वैक्स से तो बिल्कुल भी हेयर ग्रोथ नहीं होता। 4 मंथ हो चुका है, मैंने एक 4 मंथ पहले रीका की वीडियो डाली थी, अब मैं ये वीडियो को डाल रही हूँ ओथ्री की, तो 4 मंथ 5 मंथ का गैप रखने के बाद मैंने वैक्स करवा एंड अब ज़्यादा ग्रोथ मेरी नहीं आया देख सकते हो। सो अगर आपको बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर है ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप वैक्सिंग पे ज़रूर जाओ, कोई डरने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं एक ब्यूटिशियन हूँ इस वजह से मैं आप लोग को ये चीज़ रिकमेंड कर रही हूँ, मैं आपको एकदम ऑनेस्ट बता रही हूँ कि बिल्कुल डरने की बात नहीं है। आप थोड़ा सा गैप रख के, जैसे कि 4 मंथ 5 मंथ का गैप रख के करवा सकते हो। आपकी वेडिंग है तो आप ज़रूर करवाओ, इससे क्या होगा आपका मेकअप बहुत फ्लॉलेस नज़र आएगा। बहुत लोग रेजर भी करते हैं, मैं भी कभी कभी करती हूँ, बट होता क्या है रेजर से ना बहुत जल्दी हेयर आ जाते हैं, वैक्सिंग से हेयर जल्दी नहीं आते हैं। सो मैं प्रेफर करूँगी यहाँ पे ब्राज़ीलियन वैक्स फेस के लिए, अंडरआर्म्स के लिए, इवन प्राइवेट एरिया के लिए आप कर सकते हो। सो अंडरआर्म में भी आप इस वैक्स को यूज़ करोगे ना, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, किस तरह से लगाना है हेयर के डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में हेयर ग्रोथ रहता है, एंड खींचना कैसे अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट। तो आई गेस आप समझ गए होंगे, मैं ये डर रही हूँ, आप देख सकते हो मेरी स्टूडेंट यहाँ पे कर रही है एंड मैं बहुत डरपोक हूँ, मतलब कोई मेरा फेस के पास हाथ भी रखता है ना तो मुझे बहुत डर लगता है, इस वजह से मैं थ्रेडिंग नहीं करवाती हूँ। सो यहाँ पे मैं थोड़ा डर डर के कर रही हूँ, आप लोग भी सोचोगे खुद ब्यूटिशियन है, खुद क्लाइंट का इतना सारा करती है एंड खुद डर रही है, तो क्या ही करूँगा गाइस, कभी कभी करवाती हूँ साल में 2-3 बार ही, तो मुझे थोड़ा डर लगता है, मेरे एक्सप्रेशन देख के आप मत डर जाइएगा। थोड़ा सा है मुझे फोबिया जब भी मेरे ना फेस पे कोई हैंड रखता है, तो इस तरह से आपको नोज़ के पास के भी कर लेने हैं। एंड मैं थक गई थी करवाते करवाते, मैं क्या बताऊँ, पेन तो थोड़ा बहुत करता है गाइस, पेन करता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। सो आपको डायरेक्शन याद रखना है, पहले आप राइट साइड का कर लो, फिर लेफ्ट साइड का कर लो, फिर आपको चिन एरिया के पास कर लेना है, अपर लिप्स, देन नोज़ एरिया के पास भी। नोज़ एरिया के पास करने से क्या फ़ायदा होता है, जो ब्लैक हेड वाइट हेड होते हैं वो भी निकल जाते हैं एंड कोई भी डेड सेल होगी ना वो भी निकल जाती है। 48 पे भी मैं कर रही हूँ। एंड अगर आपको ब्लैकनेस है ना गाइस, जैसे कि आपका फेस का कलर डल है, डार्क है, तो आप वैक्स करवाओगे ना तो इससे भी आपका फेस ना बहुत ज़्यादा ग्लोई नज़र आएगा। सो 48 के भी अच्छे से कर लेने आप लोगों को,
अगर आपको 48 का नहीं करना है तो आप छोड़ भी सकते हो। तो मैंने 48 पे भी करवाया था, इवन मैंने फुल फेस करवा ही लिया है, आप देख सकते हो। बस आइज़ वाला एरिया छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आइज़ वाला एरिया बहुत सेंसिटिव होता है। इस वैक्स को करवाने के बाद ना आपको सिर्फ मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। तो यहाँ पर पहले ऑयल लगा लीजिएगा, कोकोनट ऑयल, इसी से ये निकलता है। तो कोकोनट ऑयल लगाने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से वाइप ऑफ कर देना है, एंड देन आइस क्यूब लगा लेना है, एंड देन फिर से मैंने मामा अर्थ का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है, जेल फेस मॉइस्चराइज़र, जो कि मैंने आप लोगों को बोला बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है गर्मियों के मौसम के लिए। सो इस तरह से अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा, कोकोनट ऑयल से इजीली क्लीन भी हो रहा है, आप देख सकते हो अच्छे से क्लीन हो रहा है, आप देख सकते हो। क्लीन हो जाने के बाद ही आपको आगे कुछ करना है। सो बस आपको इस तरह से आइस क्यूब ले लेना एंड इस तरह से रब कर देना है। एंड मेरे क्लाइंट पीछे बैठे हुए हैं, क्योंकि क्लाइंट आ गए थे। जब भी मैं कुछ करवाने बैठती हूँ क्लाइंट डेफिनेटली आ जाते हैं। सो मुझे क्लाइंट का करना था, तो फटाफट से मैं यह वीडियो को क्लोज करने वाली थी, इसलिए आप देख सकते हो वो बस अब इसके बाद फिर से मॉइस्चराइज़र लगा लेना है आप लोगों को ये वाला। एंड बस ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। आज का वीडियो आपको पसंद आया या नहीं मुझे बताइएगा कमेंट करके। मेरे वीडियोस को देख के आपने कुछ नया सीखा होगा, एंड आपको मैंने अपना फेवरेट फेस वॉश एंड मॉइस्चराइज़र बता दिया मैं कौन सा यूज़ करती हूँ। बहुत लोग मुझसे कमेंट पूछते हैं कि मैम आप कौन सा मॉइस्चराइज़र एंड फेस वॉश यूज़ करते हो, एंड आप कौन सा वैक्स करवाते हो फेस पे। तो मैं यही वाला वैक्स करवाती हूँ ब्राज़ीलियन का, जैसे कि रिका O3। बस सो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो बड़ा सा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सो मामा के प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इनकेस आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। एंड वैक्स का मैं लिंक नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मैंने ये ऑफलाइन परचेज किया है। पार्लर का जितना प्रोडक्ट होता है मैं ऑफलाइन लेती हूँ। एंड मेरा फेस कितना ज़्यादा ग्लोई नज़र आ रहा है, आप देख सकते हो इस मॉइस्चराइजर को लगाने के बाद, तो आह क्या ही मज़ा आता है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। मैं बाय एंड टेक केयर।